एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मजे में हैं और अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे हैं। वेल, आज है फ्राइडे और मैंने काम से छुट्टी ली हुई है। एंड यूजुअली ऐसा होता है कि जब भी मेरा छुट्टी का दिन होता है, जैसे वीकेंड हो गया या मैंने इस तरह से छुट्टी ली हो, तो मैं पिछले दिन से ही बहुत सारी चीज़ें अपने एजेंडा पर जमा कर लेती हूँ कि मैंने ना, क्योंकि छुट्टी का दिन है तो ये काम करने हैं। तो उससे होता ये है कि मैं ऑलरेडी एक पैनिक मोड में चली जाती हूँ कि मुझे इतने सारे काम करने हैं। तो नेक्स्ट सुबह जब होती है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं 7 बजे उठ रही हूँ और मैं उसके बजाय छुट्टी वाले दिन 8 बजे उठ गई हूँ, तो मुझे ऐसे होता है कि सारा दिन मैंने ज़ाया कर दिया है। अब मेरे पास बहुत कम टाइम है वो सारी चीज़ें करने का। एंड वही सारी फीलिंग्स जो हैं वो पूरे दिन में फिर प्रोपेगेट करती हैं ऐसे कि मतलब मुझे यूँ फीलिंग आती है कि मैंने टाइम ज़ाया कर दिया या कुछ भी नहीं कर सकी मैं, और वो पूरा दिन एक नेगेटिव साइकिल में गुजर जाता है। तो आई रिसेंटली रियलाइज्ड कि ये कितना ज़्यादा मेरे लिए लाइक स्ट्रेसफुल है और कितनी मुझे इसकी वजह से एंग्जाइटी होती है। तो आई एम करेंटली वर्किंग ऑन कि जब मेरा छुट्टी का दिन हो तो मैं एक्चुअली छुट्टी करूँ। छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि मैं 9 to 5 जॉब नहीं कर रही। छुट्टी का मतलब ये भी है कि जो बाकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे भी थोड़ी थोड़ी छुट्टी चाहिए मुझे, अनलेस कोई ज़रूरी चीज़ है। तो यस, आज के दिन का जो मेरा गोल है वो यही होगा कि मैं छुट्टी को छुट्टी की तरह गुजारूंगी। आई जस्ट डू थिंग्स दैट आर रिलैक्सिंग। तो मैंने आज के दिन अपने एजेंडा में सिर्फ 4 चीज़ें रखी हैं, विच इज़ आज मैंने शॉवर लेना है, आज फ्राइडे है क्योंकि, सेकेंडली मैंने वॉक पे जाना है और वाइल आई एम ऑन द वॉक तो मैंने जो है वो एक पार्सल वापस करना है, तो वो 2-in-1 हो जाएगा। थर्डली मैंने आज पेंटिंग करनी है बिकॉज रिसेंटली मैं वाटर कलर पेंटिंग को काफ़ी इन्जॉय कर रही हूँ, तो मैं दिल करता है कि मैं वो करूँ और उससे मुझे काफ़ी रिलैक्सेशन होती है। तो वो चीज़ मैंने अपने दिन में प्लान की है कि आई स्पेंड सम टाइम विद दैट। एंड लास्टली ये 4th चीज़ जो है वो ऑप्शनल है, अगर टाइम हुआ या हिम्मत हुई तो हम करेंगे, एंड दैट इज़ कि मुझे एक वीडियो एडिट करनी है। सो येस, दैट इज़ ऑल द प्लान फॉर टुडे। आई होप कि मैं इसको कर पाऊँ। अभी हमने अभी नाश्ता ख़त्म किया है और मेरी चाय ठंडी हो रही है, मैं अपनी चाय पीती हूँ सुकून से, एंड फिर हम मिलते हैं आपसे। Light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. Okay, guys, so before we take a shower, पहले बेड ठीक कर लेते हैं, कमरे का जरा रुख निकाल लेते हैं, देन विल गो टेक अ शॉवर। May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within, I can tell. So janab, subah jab maine aapko last update di thi, that was around 9:30 is tarah se, ya 9:30 ka time tha, and currently 11:12 ho gaye hain, and pichle 2 ghante mein main sab kuch kiya hai सिवाय उस काम के जो मैं करने वाली थी, विच वॉज टेकिंग अ शॉवर। एंड आई गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी क्विकली। मैं यहाँ आई कपड़े निकालने के लिए, मैंने अपना सॉक्स ड्रॉअर देखा, उसको मैंने रीअरेंज किया, देन आई वेंट ऑन टू डू लाइक अदर थिंग्स, इररेलेवेंट थिंग्स। मैं लैपटॉप खोल के और आई डोंट नो कौन सी चीज़ें करने बैठ गई थी, बट एनी वेज अब लेट्स जस्ट गो अहेड एंड फाइनली टेक अ शॉवर क्योंकि बहुत लेट हो गया है। तो लेट्स गो, कपड़े निकालते हैं, लेट्स गेट रेडी। ओके जनाब, सो कपड़े डिसाइड करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम लगता है मुझे, बिकॉज मेरा सब कुछ ही दिल करता है कि मैं एक ही साथ पहन लूँ। मतलब ये डिसाइड करना कि आज क्या पहनूँ बड़ा मुश्किल काम है। 2000 years later. ओके जनाब, कपड़े डिसाइड हो गए हैं, लेट्स डू द डिफिकल्ट टास्क। Future and you are my past.
pretty little thing. You're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Order in a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. ओके जनाब, सो इट्स ऑलरेडी लंच टाइम. क्या टाइम हो रहा है? 1 बज गया है. फाइनली मैंने शॉवर ले लिया है, मैं रेडी हो गई हूँ. अब हम लंच करेंगे और लंच में आज हम जो है वो एयर फ्राइड चीज़ें ले रहे हैं, समोसे एंड पिरोजीज़. अब लंच करने के बाद आई सी कि बाकी की चीज़ों का क्या होता है. सो इट्स जस्ट वन थिंग ऑफ माई लिस्ट फॉर नाउ एंड दिस इज़ द थिंग दैट आई एम वर्किंग ऑन. कि लाइक आपने देखा कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ चीज़ों से. जो काम मैंने करने थे वो मैंने नहीं किए क्योंकि मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी अबाउट दोज थिंग्स जो मुझे आज करनी थी. सो लाइक इसी तरह होता है. अब मैंने टाइम ज़ाया कर दिया है सारे का सारा जो लाइक सुबह का टाइम था. और अब मुझे होगा कि भाई अब टाइम नहीं है चीज़ें करने का, और फिर मुझे उसकी टेंशन होगी कि भाई अब टाइम नहीं है. सो येस, दिस इज़ अ थिंग आई एम स्ट्रगलिंग विद राइट नाउ. बट लेट्स सी, अब मेरा दिल करेगा कि मैं नैप ले लूँ क्योंकि छुट्टी का दिन है, और फिर आई एम श्योर कि मैं नैप ले लूँगी एंड देन आई विल बी लाइक ओके आज मैंने कुछ भी नहीं किया. हालांकि मैंने काम किए होते हैं बट दोज आर नॉट द थिंग्स जो मैंने प्लान की होती हैं. तो यू सी द साइकिल, सो आई वॉज़न्ट एबल टू ब्रेक द साइकिल टुडे, बट लेट्स सी क्या होता है. अभी हम लंच करते हैं. चैनल आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं. आप मेरे पीछे देख सकते हैं पैकिंग सिचुएशन चल रही है, विच कैन ओनली मीन वन थिंग कि हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं. वेल द सिचुएशन इज कि हम फिर से पाकिस्तान जा रहे हैं. वेल इट्स माई थर्ड टाइम इन लास्ट 12 मंथ्स कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ. लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद द पैकिंग. हम आपको साथ साथ अपडेट्स देते रहेंगे कि क्या सिचुएशन चल रही है और हम क्यों पाकिस्तान जा रहे हैं. हाँ जी, सो वी आर बैक. तो आप क्या कर रही हैं? मैं पैकिंग कर रही हूँ, मैंने अभी बताया हमको. अच्छा, बता दिया पहले से, न्यूज़ फोड़ दिए. हाँ जी. अब आप बताएं हम पैकिंग क्यों कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? सो हम जा रहे हैं पाकिस्तान, और रीज़न ये है कि मेरी फैमिली के, मेरी इमीडिएट फैमिली के अंदर एक इवेंट है तो उसको अटेंड करने जा रहा हूँ मैं. और क्योंकि मेरे पास छुट्टियाँ इनफ नहीं थी, बाई इनफ आई मीन बहुत सारी बोट लोड ऑफ छुट्टियाँ, तो मैं बस वहाँ पे इतना ही अरसा स्टे कर पाऊँगा जितनी देर का इवेंट है. तो हम लोग बेसिकली 4 से 5 दिन का पूरा ट्रिप करें. तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ रनिंग, लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, लेकिन आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इवेंट, तो इसलिए हम जा रहे हैं. व्हेन डू वी लीव? वी लीव वेरी सून, नेक्स्ट वीक. आज है, आज संडे है और हम पैकिंग कर रहे हैं एंड वी लीव ऑन वेडनेसडे. और हम पैकिंग आज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज We're leaving on a work day. हाँ जी. और हम लोग जो है as always, तुम्हारे तो थोड़ी सी पहले पैकिंग कर ली थी लेकिन मैंने as always आखिरी टाइम तक छोड़ी जितना मैं डिले कर सकता था. तो यस,
इससे ज़्यादा डिले हो नहीं सकता था क्योंकि नेक्स्ट वीक वर्किंग डे है और जिस दिन रात को हमारी फ्लाइट है इवन वो डे भी मेरे लिए वर्किंग डे है, तो वाले छुट्टी ली भी है लेकिन मैं उस दिन काम करूँगा और फिर शाम को हम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। सो यस, वी विल कीप यू पोस्टेड, दैट्स द अपडेट फॉर नाउ, वी विल सी यू। और टाइम हुआ जाता है हमारे जाने का ऑलमोस्ट अभी थोड़ा सा टाइम रहता है। You just gotta trust the right, don't have to be scary.